निर्भया मामलें चार दोषी को काली दिया जिबा फांसी। शुक्रवार भोरु फांसी खुंटरे झुलिबे निर्भया गणदुष्कर्म मामलार चार दोषी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर। तिहार जेल रे सका 5:30 चार दोषी को दिया जिबा मृत्युदंड। एथिपाई काउंटडाउन भी आरंभ हो जाइछि। षोहळ डिसेंबर 2012 20 मार्च 2020 7 वर्ष 3 मास 3 दिन परे मिलिब न्याय। चारि दोषी को मिलिब मृत्युदंड। सकाळ 5:30 रे फांसी देबा को प्रस्तुति शेष। फांसी टाळिबा को फेल मारिला शेष प्रयास। शुक्रवार भोरु भोरु फांसी खुंटरे झुलिबे निर्भया गणदुष्कर्म मामलार चारि दोषी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर। तिहार जेल रे सकाळ 5:30 चारि दोषी को दिया मृत्युदंड। फांसी स्थगित रखा पवन पुनर्विचार आवेदन उपरे गुरुवार सकाळ 10:25 पटियाला हाउस कोर्ट रे होइथिला सुनानी। छजणिया खंडपीठ पवन आवेदन को खारज करिबा सह जारी करिथिले डेथ वारंट। कोर्ट का ही आदेश सह एहि मामलारे पड़िछि पूर्णच्छेद। परिष्कार हो जाइछि फांसीर बाट। तो निश्चित रूप से हमारे सिस्टम को ये सोचना पड़ेगा कि न तो किसी बेटियों को इस तरीके से लोग हीनियस क्राइम करें और न किसी को उनको फांसी देनी पड़े। लेकिन अगर बेटियों के साथ इतना हीनियस क्राइम करेंगे और हमारे लॉ में जो डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है तो निश्चित रूप से जो मैक्सिमम पनिशमेंट है फांसी, उसको लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो कि इस केस में मुझे दिख रहा है कि उनके लॉयर नहीं कर रहे हैं इस चीज को और उनके परिवार के लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन निर्भया की मां ने उस हर चीज को एक्सेप्ट किया है, 7 साल से उस दर्द को सहा है और देश की और भी बेटियां उस दर्द को सह रही हैं। तो मैं यही पूरी तरीके से श्योर हूं कि कल इन चारों कन्विक्टेड को हैंग किया जाएगा। निर्भया गणदुष्कर्म मामलार समस्त आईन प्रक्रिया शेष होगा को लगी जा 7 वर्ष 3 मास और 3 दिन। यहाँ भितर चारि दोषी फांसी टाळिबा को एवं निजक बचाइबा को एकाधिक उपाय बाहर करते। नाबालक नहीं दोषी पवन करिथिबा क्यूरेटिव आवेदन को सुप्रीम कोर्ट करिदेइथिले खारज। सेपटे अन्यतम दोषी अक्षयर स्त्री औरंगाबाद कोर्टे तलाक नेबाकु करिथिले आवेदन। कहिथिले से विधवा होई रहिबाकु चाहन्ती नाही, तेणु फांसी पूर्वरु तांको छाड़पत्र दिया जाउ। अक्षय पवन रिव्यू पिटिशन को मध्य राष्ट्रपति नाकच कर देथिले। चारि जण जाको दोषी सेमानक समस्त आईनगत अधिकार व्यवहार कर सारिथिले मध्य सफल होई नाहंती। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पवन के फादर और स्कूल के खिलाफ भी कुछ ऑर्डर किया है कि अगर कागज़ गलत हैं, यदि जुवेनाइल के कागज़ गलत हैं, जुवेनाइल नहीं है तो उस पर कोई एक्शन होना चाहिए? इसका मतलब ये माना है, कुछ नहीं ऑर्डर किया है, इसका मतलब माना है डॉक्यूमेंट सही हैं, कागज़ सही हैं, घटना के समय पवन जुवेनाइल था लेकिन उसको मान नहीं रहे कोर्ट में। ये प्रेशर है, ये दबाव है। नहीं, अभी तो हमारा पटियाला हाउस में, उसके बाद देखते हैं जो भी प्रोसेस है। अभी हमें ऑर्डर नहीं मिल पाता है। ऑर्डर मिले उसके बाद तो फाइल करूंगा। कुछ ऑर्डर मिलेगा तब उसमें पढ़ूंगा क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पवन की जो दूसरी क्यूरी पटिशन थी आज वो खारिज हो गई, उसकी मर्सी तक खारिज हो गई है। लेकिन जो भी है ये जबरदस्ती है और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल इनको फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अब ऐसी कोई SLP कोई मर्सी नहीं है। सेपटे तिहार जेल रे फांसी लागि समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। जमी जरिया रे जल्लाद फांसी प्रक्रिया रे अभ्यास भी शेष करिछि। मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा सेमानक परिवार को शेष थर पई भेटि भी सारिछन्ति। दिल्ली रा पारामेडिकल छात्रिन को 2012 डिसेंबर 16 तारिख रे 6 जण व्यक्ति चलंता गाड़ी रे गणदुष्कर्म करिथिले। एहा परे चिकित्साधीन अवस्था रे सिंगापुर रे निर्भयांकर मृत्यु होईथिला। ए मामला रा मुख्य दोषी राम सिंह जेल रे आत्महत्या करिथिला। एहा छोडा अन्य जणे दोषी नाबालक होइथिबारु 3 वर्ष बाल सुधार गृह रे कटाइबा परे मुक्त होइ सारिछि। एबे अन्य 4 दोषी को मिलिबो मृत्युदंड। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।